नमो अरहंतानं ओम रिं नमो सित्तानं ओम रिं नमो आयरियानं ओम रिं नमो उवज्जायानं ओम रिं नमो लोये सब शाहूनं एसो पंच नमुकारो सब पाव पणासनो मंगलानंच सब्वेसिं पडमं हवै मंगलं पडमं हवै मंगलं। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, दसवैकालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत दूसरा जो चैप्टर है दसवैकालिक सूत्र का, पांचवें अध्याय का, उसकी हमारी चर्चा चल रही है। उनमें से हमने दूसरे पांचवें अध्याय का जो दूसरा चैप्टर है उनमें से हमने 45 श्लोकों की चर्चा की। आज हम 46 श्लोक से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करें। तव तेणे वैतेणे रूपतेणे अजे नरे आयार भाव तेणे उब्बये देव किब्बिसम उब्बये देव किब्बिसम। तव तेणे वैतेणे रूपतेणे अजे नरे आयार भाव तेणे उब्बये देव किब्बिसम। तव तेणे, तव तव तेणे का मतलब है तव यानी तप, तेणे का मतलब चोर, तेणे चोर, तप का चोर, वय तेणे का मतलब वचन का चोर, रूप तेणे का मतलब रूप का चोर, जेनर यानी जो मनुष्य होता है, आयार भाव तेणे आचार और भाव का जो चोर होता है वो क्या करता है, देव के विषम को बे किल्विषिक देव के योग्य कर्म का अर्जन करता है। जो मनुष्य तप का चोर, वाणी का चोर, रूप का चोर, आचार का चोर और भाव का चोर होता है वह किल्विषिक देव योग्य कर्म करता है। तो इस श्लोक को समझना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही ध्यान देने जैसी बातें हैं इसमें। जो मनुष्य तप का चोर होता है, तप का चोर का मतलब है जैसे कोई तपस्वी है, उनको कोई पूछता है क्या आप तपस्वी हैं, वो तो चलो तपस्वी है, वो तो कहेगा मैं तपस्वी हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन कोई तपस्वी नहीं है, कोई दुबला पतला साधु है, उनको देख करके किसी ने कहा अरे महाराज आप ही तपस्वी हो, हाँ महाराज हम तो तपस्या करते ही रहते हैं, तपस्वी नहीं है फिर भी वो अपने आप को क्या बोलता है मैं तपस्वी हूँ, तो तप का चोर, तो तपस्या की एक प्रकार की चोरी हो गई। कभी कभी होता है ना, कई समणी जी मानो तपस्या करे वर्षी तप करे उनका शरीर नहीं घटता है, कई समणी जी सहज ही पतले होते हैं, वैसे कोई साधु सहज ही पतले होते हैं, कोई गृहस्थ भी जैसे है सुनीता जी मानो तपस्या नहीं करते फिर भी पतले हैं, और कोई मोटा तपस्या करे भी मोटे होते होता है ना, तो किसी किसी को बोल रहे अरे महाराज आप ही तपस्वी हो, सुनीता जी आप ही तपस्या, हाँ समणी जी हम तो तपस्या करते ही रहते थे, तो वो क्या हो गया तप की चोरी होगी एक प्रकार की, तपस्या नहीं करते फिर भी बोलते हाँ हम तो तपस्या करते रहते, साधु का काम तो क्या है, साधु तो तपस्वी होते, ऐसे गोल गोल उत्तर दे देते हैं, मतलब उत्तर को मतलब गोल गोल कर देते हैं, घुमा देते हैं। तो तप का चोर होता है वो क्या होता है, कहा जाता है किल्विषिक देव योग्य कर्म का अर्जन करता है। और वैसे ही वचन का चोर का मतलब है जैसे सपोज मैं भाषण बोल के आई और मेरे को मतलब सपोज बड़े समी जी भाषण बोल के आए और मेरे को आपने कहा अरे समी जी आप बहुत अच्छा भाषण बोले, हाँ बहुत, ऐसे मैंने नहीं बताया कि नहीं मैंने नहीं बोला था बड़े समी जी ने बोला था, तो वो क्या हो गया वचन का चोर, इससे वचन का दोष लग जाता है, वचन की चोरी हो गई, बोलना क्या सही कि नहीं मैंने नहीं बोला था, आज बड़े समी जी ने बोला था या आज अमुक संत ने बोला था या अमुक ने बोला था, जो अच्छा बोला है दूसरों ने और हम बोलते नहीं हमने बोला है अच्छा, हम बोलते नहीं लेकिन किसी ने पूछा तो हाँ
बहुत अच्छा बोला, तो हम चुप रह गए, हमने हंस लिए, हाँ हमारी तारीफ करो, बोला किसी ने और हम अपने आप खुश हो रहे कि हाँ हमारे बारे में बोल रहे। कई बार होता ना गाते कोई बहुत सुंदर है, समणी जी आप बहुत अच्छा गाया, हाँ हम तो हमारा काम ही वही है गाने का ही होता है तो वो क्या होता है एक प्रकार का दोष लग जाता है, तो वो वचन का चोर हो गया। और रूप का चोर, रूप भी कई लोग होते ना अलग अलग रूप बनाते हैं, इतना मेकअप कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, फिर और आजकल तो कहाँ आप लोग तैयार होने के लिए जाते हैं, वो होता ना वहां पे आजकल जाते ना क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर के आते, इतने सुंदर होके आते हैं, और रात का टाइम होता है, लाइट होती है और अच्छी ड्रेस पहनी होती है, तो इतने सुंदर लगते हैं कि आप बहुत सुंदर हो गए आजकल। हाँ आजकल तो मेरा रूप यहाँ मैं आ गई हूँ, न्यू जर्सी आ गई या मायामी आ गई, मेरा रूप सुंदर हो गया है तो सुंदर नहीं लेकिन अपने आप को सुंदर दिखाते हैं, तो रूप की चोरी हो गई। और आचार की चोरी, आचार का मतलब ये जो मर्यादा है, जो नियम है, जैसे श्रावक के नियम है कि 12 व्रतों का पालन करना, 14 नियम करना, जितना हो सके वो त्याग प्रत्याख्यान करना, आप करते कुछ नहीं है लेकिन बाहर से इतना दिखाते हैं जैसे हम ही धार्मिक हैं, हम समझ जी हम ये करते हैं वो करते हैं, करते थोड़ा बहुत करते होंगे लेकिन बताते बहुत ज्यादा है। तो आचार का जिस रूप पालन करना चाहिए, ज्ञान दर्शन चारित्र, तब पांच प्रकार के आचार, ज्ञानाचार दर्शनाचार चारित्राचार तपाचार वीर्याचार, ये पांच प्रकार के आचार है। तो साधु का भी, साधु को भी उनका पालन करना होता है, श्रावक भी जितना कर सके उतना करना होता है, लेकिन आचार का पालन नहीं करते फिर भी अपने आप को दिखाते हम ही, जैसे आचार नियमों का पालन करने वाले हम ही है, हमारे जैसे कोई पालन नहीं करते तो वो उसमें क्या हो जाती है, आचार की चोरी हो जाती है। भाव की चोरी, भाव की चोरी का मतलब है जैसे कुछ शिष्य होते हैं उनको इतना ईगो होता है वो किसी के पास सीखने के लिए नहीं जा सकते, तो लेकिन उनको आता कुछ नहीं है, आता कुछ नहीं फिर भी बोलेंगे आई नो मैं जानता हूँ, कई लोग होते ना आता कुछ नहीं फिर भी बोलेंगे आई नो मैं जानता हूँ, तो फिर वो जैसे एक शिष्य था गुरु के पास सीखने के लिए नहीं जाता, गुरु ने कहा कि आपको नहीं आता तो मुझे मेरे से आप सीख सकते हो, उसने कहा नहीं मुझे तो सब कुछ आता है मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है, आता कुछ नहीं है फिर वो क्या करता है चुपके चुपके गुरु से सुन सुन के सीखता है और फिर बोलता है तो मुझे आता है मैंने किसी से नहीं सीखा, ये तो मुझे अपने आप ही आता है, मेरा इतना क्षोभ समय कि मेरा माइंड इतना शार्प है मैं अपने आप मुझे सब कुछ आता है, सीखता गुरु से है सुन सुन के, मतलब जैसे मान लो रूम के अंदर बैठ गया बाहर गुरु प्रवचन कर रहे हैं किसी भी रूप में वो सुन लेता है, सुन सीखता गुरु से है फिर भी वो अपने आप बोलता है मुझे आता है आई नो मैं जानता हूँ, तो इस प्रकार वो भाव का चोर, आता नहीं है फिर भी वो अपने आप को बोलता मुझे सब आता है, सीखता गुरु से है, गुरु का नाम नहीं बताता है, उपाध्याय का नाम नहीं बताता है, दूसरों से सीख करके भी वो अपने आप को बोलता है तो मुझे आता है, आप बोलेंगे अरे शमी जी आप तो बहुत अच्छा सीखते, सपोज मैं बंदा में से सीख के कि मैं नाम नहीं बताऊंगी नहीं ये तो मुझे आता है, तो हमारा काम ही वही है, तो उसमें क्या होता है आचार भाव की चोरी लग जाती है। तो इनका जो ये बताया है श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो तप का चोर होता है, वाणी का चोर होता है, रूप का चोर होता है, आचार का चोर, भाव का चोर होता है, वो क्या करता है किल्बिषिक देव योग्य कर्म करता है। किल्बिषिक देव एक प्रकार का अधम जाति का देव होता है, अधम जाति का देव होता है, और किल्बिषिक देव वहां उत्पन्न होता है फिर भी उसे नहीं पता चलता कि मैं किस कर्म से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, और किल्बिषिक एक बनने के बाद कहाँ जाता है वो आगे श्लोक में आ रहा है, इसलिए अपन इसको क्लियर करते हैं। नधुण वे देवत्तम उवन्नो देव के विषय तथा विषय न याणाय किमे किच्छा इमं फलम, नधुण वे देवत्तम, देवत्व को नधुण प्राप्त करके उवन्नो देव के विषय, किल्बिषिक देव उत्पन्न होने पर भी तथा विषय न जाना है, मैंने उसके विषय में वो नहीं जानता है कि ये मेरे किस कर्म का फल है, किल्बिषिक देव के रूप में उत्पन्न जीव देवत्व को पाकर भी, देवत्व मैंने देवत्व को लद्दुण ने प्राप्त करके भी तथा मैंने वहां से मैंने वह न जाना ही नहीं जानता है कि यह मेरे किस कर्म का फल, किचान कर्म का इम मैंने यह किस में मेरे किस कर्म का फलम फल है, वो ऐसा मतलब चोरी की माया की उसको ये वो नहीं पता चलता कि मैंने
ऐसा क्या किया जिसके कारण मुझे यह उत्पन्न होना पड़ा। तो किलिशिक देव एक प्रकार का, जैसे मनुष्य लोक में भंगी होते हैं ना, भंगी जो क्लीनिंग करते हैं, जैसे इंडिया में देखते ना सड़क में बुआरते रहते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, जो भंगी का जो काम होता है, भंगी का जैसे कोई स्थान नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है, वैसे ही वहां पे जो किलिशिक देव होते हैं उनका कोई रेस्पेक्ट नहीं होता है, सब ओर से वो धिक्कारे जाते हैं, कोई भी उनको बोलने के लिए नहीं देते हैं, वहां भी वो सफाई का ही काम करते हैं, मतलब सबसे निम्न जाति के देव होते हैं किलिशिक देव। और मरने के बाद वो कहाँ जाते हैं, अगर मनुष्य बनते हैं तो वो क्या बनते हैं, गूंगे बनते मनुष्य बनते हैं, तो ना आगे नीचे आ रहा है कि मनुष्य अगर बनेंगे तो वो क्या बनेगा, हाँ गूंगे बनेंगे। तत्व विशेष तत्व मतलब किलिशिक देव से च्युत होकर, यानी किलिशिक देव का जो आयुष्य है पूरा करके वो क्या बनेगा, लब्धि एल मुह्यम, अगर मनुष्य गति में जाता है तो एड मुक्ता, एल मुह्यम का एड मुक्ता यानी गूंगापन, यानी गूंगे बनेंगे मनुष्य अगर बनेंगे किलिशिक देव मर करके, किलिशिक देव का आयुष्य पूरा होगा उसके बाद अगर वो मनुष्य बनते तो गूंगे बनते, बोल नहीं सकते, और अगर वो मनुष्य नहीं बनते तो कहाँ जाएंगे, नरक गति में या तिरंज गति में जाएंगे, देव गति से आएंगे तो तिरंज गति में या मनुष्य गति में, मनुष्य गति में आ गए या तिरंज गति में आ गए तो वहां से मर करके नरक में, यानी नरक गति तिरंज गति में ही उनका जन्म मरण होता रहता है। इस प्रकार उनको वह बोधि प्राप्त करना, नरियम दीर्घ जोड़ी मा बोहि जत्त सुदुंगहा, जत्त माने वहां, यानी नरक गति और तिरंज गति में परिभ्रमण करते करते वहां बोधि प्राप्त करना सुदुंगहा, बड़े दुर्लभ है बोधि प्राप्त करना, क्योंकि बोधि प्राप्त कैसे करेंगे, वो तो नरक में जाएगा या तिरंज गति में जाएगा, नरक तिरंज गति, मनुष्य भी बनेगा तो क्या बनेगा, गूंगा बनेगा, कई अपन देखते ना गूंगे भी होते भरे भी होते, सुन भी नहीं सकते बोल भी नहीं सकते, तो उसका कारण क्या है कि पूर्व जन्म में पहले जैसे माया कर ली, तो किलिशिक देव तो एक तो ये माया करने से होता है, चोरी करने से, मैंने आचार की तप की रूप की उनकी चोरी करते तो किलिशिक देव बनता, एक है माया का आचरण करता है उससे भी किलिशिक देव बनता है, एक एक अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु चतुरी धर्म संघ की जो निंदा करता है अवलेहना करता है वो मर करके किलिशिक देव बनता है, यानी अरिहंतों ने जो कहा है, भगवान ने जो कहा है, केवली भाषित जो धर्म है वो सही है, लेकिन बोलते नहीं भगवान को तो क्या पता, भगवान की बात सही नहीं है, भगवान की बातों पर श्रद्धा नहीं करता, उनकी भी निंदा करता रहता है, आलोचना करता रहता है, सिद्धों की आचार्यों की उपाध्यायों की, यानी पंच परमेष्ठी समझो, पंच परमेष्ठी की जो निंदा करता है अवलेना करता है उनके बच्चों में श्रद्धा नहीं करता है वो मर करके क्या बनता है, किलिशिक देव बनता है। इसीलिए क्या करना है, तो भगवान कहते हैं तत्व विषय चैतानम, वहां से यानी किलिशिक देव से च्युत होकर के वो मनुष्य गति में प्राप्त आता है, मनुष्य गति में भी क्या बनता है, गूंगा बनता है, और नरक और अथवा तिरंज गति में वो जाता है तो वहां वो ही यानी बोधि प्राप्त करना दुर्लभ है। बोधि बोही बन गया, जत्थ यत्र का बन गया जत्थ, य का ज हो गया आधे रो ज, ठीक है। इस प्रकार ये समझ में आ गया आपको कि किलिशिक देव कैसे बनते हैं और कहाँ वो मरने के बाद भी वो मनुष्य बनेगा तो भी गूंगा बनेगा, अथवा तिरंज गति में जाएगा अथवा नरक गति में जाएगा, इस प्रकार वो संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण करता रहेगा, और जहाँ उनकी बोधि प्राप्त करना दुर्लभ है, बोधि का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होना दुर्लभ है। एम च दोषम तत्थुण, इस दोष को देख करके, तत्थुण का मतलब देख कर, नायकपुत्रेण भाष्यम, नायकपुत्रेण का मतलब ज्ञात पुत्र, नायक का मतलब ज्ञात, पुत्रेण का मतलब पुत्र ने, भाषितम ने कहा, अनुमायम पि मेहावी मेधावी मुनि अनुमायम अनुमात्र भी माया मोसम विभज्जे माया मृषा न करे, यानी ये आपने देख लिया कि ऐसा दोष है भयंकर, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, किलिशिक देव बनेगा, ऐसा दोष जान करके क्या ना करे, अणुमात्र भी यानी थोड़ी सी भी माया ना करे, अगर माया करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा, नरक गति तिरंज गति में परिभ्रमण होगा।
शिक्षियों भिक्खे सन सोहिं संजयान उद्धान सगाशे तत्त भिक्खु सुखमणि हिंदी कि बलज गुणम विहरिच्छा तिवेमी शिक्षी ऊना भिक्षेषण सोहिम संजयान बुद्धान सगासे तत्थ भिक्षु सुपणि हिंदी कि बलज गुणम विहरिच्छा तिवेमी संजयान का मतलब संयत बुद्धान का मतलब बुद्ध श्रमणों के सगासे मतलब समीप भिक्षेषण भिक्षेषण भिक्षा की एषणा ही सोहिम ने विशुद्धि शिक्षियों सीख कर ऊन प्रत्यय ऊन प्रत्यय सीख कर जाकर खाकर सीख कर तथ्य मैंने उसमें भिक्षु सुपण इंद्रिय सुप्रणिहित इंद्रिय वाला भिक्षु भिक्षु ने भिक्षु तिव्वलज तिव्वलज कर उत्कृष्ट संयम और गुणों ने गुण से संपन्न होकर के विहरे जासी मिश्रण करे मतलब ऐसा दोष देख करके कि माया करने का रिजल्ट क्या होता है नरक गति तिरंज गति में गमन होता है बार बार डेथ एंड बर्थ की साइकिल चलती रहती है माया के कारण ऐसा जान करके मेधावी मुनि है वो अणुमात्र थोड़ी सी भी माया न करे तो वो क्या करे उत्कृष्ट संयम का पालन करे जिससे आगे से आगे उसका जन्म अच्छा होता रहे इतनी ब्रवीमि इस प्रकार आचार्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं संयत और बुद्ध श्रमणों के समीप भिक्षा की विशेषणाई भिक्षा की एषणा की विशुद्धि सीख कर उसमें सुप्रणिहित इंद्रिय वाला भिक्षु उत्कृष्ट संयम और गुण से संपन्न होकर विचरे इस प्रकार मैं कहता हूँ। इस प्रकार हमारा दसवें काल क्षेत्र का पांचवा चैप्टर का जो दूसरा पार्ट था वो भी आज संपन्न हो गया। इस प्रकार दसवें का सूत्र पांचवें चैप्टर का हाईएस्ट कितने श्लोक थे 150 श्लोक। फर्स्ट पार्ट के 100 श्लोक थे, सेकंड के 50 श्लोक, तो 150 श्लोक के अकेले पांचवें चैप्टर के हो गए। अब छठा चैप्टर बाकी दो सब इतने बड़े नहीं, सबसे बड़ा चैप्टर दसवें का सूत्र में पांचवा ही है, बाकी के किसी के 60 श्लोक, किसी के 70-65 और दसवा दिन छोटा 21 श्लोक है। सबसे छोटा दिन है फर्स्ट 5 श्लोक है। इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नया तो कल ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी आपकी दूसरी क्लास की है इसीलिए। लता जी नींद आ रही है क्या? तो वंदा भी मेरा एक प्रश्न है, अगर समझो कोई भी